हे गाइस, मेरा नाम इमरान शेख और आप देख रहे हैं इमरान 16। थोड़े दिनों पहले मैंने एक वे प्रोटीन मंगाया था अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, जिसका नाम था गेट माय मेटल का अल्फा वे प्रोटीन, जो कि 1300 रुपए में मिलने वाला वे प्रोटीन है। और ये कंपनी का दावा है कि इससे सस्ता और इससे अच्छा वे प्रोटीन आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इंडियन मार्केट में तो अवेलेबल नहीं मिलेगा। मैंने उसे दो महीना यूज किया, करीबन दो डब्बे यूज किया, और दो डब्बे यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जो आप प्राइस के लिए पे कर रहे हो वहां पर आपको आउटपुट उससे ज्यादा ही मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इस दफा वो सेम प्रोटीन मंगाते हैं, फिर सोचा कि सेम प्रोटीन मंगाऊंगा तो वीडियो कैसे बनाऊंगा। तो सेम ब्रांड से मैंने अलग प्रोटीन मंगाया जिसका नाम है ब्लेज वे प्रोटीन। अभी दिखने के लिए तो अल्फा वे प्रोटीन की तरह ही दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके ग्राफिक पे थोड़े से कलर के चेंजेस है और यहाँ पर अल्फा की बदली ब्लेज है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा प्रीमियम काइंड ऑफ वे प्रोटीन है कंपेयर टू अल्फा वे प्रोटीन। और थ्रू आउट द वीडियो हम जानेंगे इसके बारे में, क्या इसमें खूबियां है, क्या इसमें कमियां है, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें बुराई है, क्या ये रिकमेंडेबल है, और इसकी मिक्सिंग एबिलिटी के बारे में, साथ ही इसके टेस्ट के बारे में। अब इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है नियर अबाउट 2099 रुपये, मतलब 2099 रुपये, और ये मुझे ऑफर के चलते मिला सिर्फ और सिर्फ 1160 रुपये में, वो भी फ्लिपकार्ट से। स्क्रीनशॉट आता रहेगा, देख लो, छूट नहीं रहेगा। आप गूगल कर सकते हो, जहां से आपको सस्ते में मिलेगा आप वहां से इसे उठा सकते हो। अब जानेंगे इस प्रोटीन के बारे में। तो ये 1 किलो का वे प्रोटीन है और 1 किलो के वे प्रोटीन में आपको 20 स्कूप्स मिलते हैं, मतलब अगर आप 5 डेज अ वीक वाला वर्कआउट करते हो जो कि हेल्दी माना जाता है, तो एक महीना आपका ये आराम से चल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1200-1300 रुपए में, जो कि बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो आप इसे ले सकते हो, आपकी सैलरी ज्यादा नहीं है तो भी आप इसे ले सकते हो। मेरी सैलरी ज्यादा है, इसे ले रहा हूँ क्योंकि और भी खर्चे होते हैं दुनिया में। सो इसमें आपको मिलता है 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक स्कूप में, और एक स्कूप का नियर अबाउट वेट रहेगा 50 ग्राम, बिकॉज ये 1 किलो का, इसमें आपको 20 सर्विंग मिल रहा है, तो मतलब 1000 / 20 = 50, मतलब आपको 50 ग्राम ऑफ वे पाउडर में 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, 23.12 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5.33 ग्राम्स ऑफ BCAA मिल जाता है, 22.67 ग्राम्स ऑफ EAA, और बात की जाए तो ग्लूटामाइन के तो ये 4.04 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामाइन मिल जाता है। एडिशनल अगर आपको डिटेल देखना है तो आपको स्क्रीन को पोस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाएंगे, आप उसे पढ़ के देख सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे फ्लेवर अवेलेबल है, मतलब जो सबसे ज्यादा सस्ता मिला, मतलब आपको फ्लेवर के हिसाब से भी कभी कभार पे करना पड़ता है, जहां पर इसका अलग फ्लेवर जो थोड़ा सा महंगा है, यहाँ पर सबसे सस्ता वाला फ्लेवर मैंने उठाया जिसका नाम है रोज फालूदा, बिकॉज मैंने बहुत सारे फ्लेवर यूज किए हैं और मैंने विदाउट फ्लेवर भी यूज किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट से जो इससे मिल जाता है, मतलब इससे नहीं, इसके और जो अल्फा वे प्रोटीन जो मैंने ट्राई किया था उससे मिल जाता है, ये तो उससे महंगा वाला है, तो इसका भी मुझे लगता है कि आउटपुट अच्छा मिलेगा, क्योंकि जो इसका डाइजेस्ट होने की कैपेबिलिटी है गेट माय मेटल की तरफ से वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सब्सटेंस के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी बैंड सब्सटेंस देखने नहीं मिलता, मतलब वो जो बैंड सब्सटेंस जिससे जो लिस्टेड है नाडा और वाडा की तरफ से, मतलब एक एजेंसी होती है जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या फिर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा और वाडा, उसमें एक लिस्ट निकलता है जिसमें बैंड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपको यूज नहीं करना चाहिए आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो सारी चीजें इसमें आपको नहीं मिलती, मतलब इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने नहीं मिलता। एडिशनल डिटेल्स के बारे में बात की जाए तो ये FSSAI अप्रूव्ड है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे और भी चीजेस हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि फिर से पॉज करके अगर आपको देखना है तो आप इसे देख सकते हैं। और इसकी अगर पैकेजिंग के बारे में बात की जाए तो पैकेजिंग वही पुरानी व्हाइट कलर की, आपको एक डब्बा मिल जाता है, व्हाइट कलर के डब्बे के ऊपर आपको ब्लैक कलर एक लिड मिल जाता है। अब ये सील पैक है और इसका सील अभी मैं तोड़ूंगा, मतलब तोड़ूंगा, तो इसका सील अभी तोड़ते हैं और इसके टेस्ट के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ इसका स्कूप कितना बड़ा वो जानते हैं, मिक्सिंग एबिलिटी के बारे में जानते हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आपको एक स्कूप में, मतलब 50 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन में अकॉर्डिंगली 200 ml पानी लेना है या दूध लेना है, और इसको 45 से 50 सेकेंड तक का हिलाना है, 45 से 50 सेकेंड, लोगों का अक्सर 30 या 25 सेकेंड में हो जाता है, लोगों की बात कर रहा हूँ वे प्रोटीन की। सो एक स्कूप अभी हम लेंगे पानी में, बिकॉज मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो तो पानी के साथ लो, दूध बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है पोस्ट वर्कआउट में, आपको उल्टी आ सकती है, बट पानी अगर आप लोगे तो पानी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर आपको इंग्रीडियंट देखना है तो फिर से आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। अब गेट माय मेटल का सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ को फोकस कर रहा है, जैसे कि आप यंगस्टर्स को फॉलो कर रहे हो, आप उनको फोकस कर रहे हो कि हाँ उन्हें भी बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, उन्हें भी मसल बिल्डिंग करना चाहिए, उन्हें भी अच्छा दिखने का हक बनता है, बट कहीं ना कहीं वो पैसे की कमी होने की वजह से वो ये चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। बट गेट माय मेटल की तरफ से ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये इतना ज़्यादा बजट फ्रेंडली बना देता, कभी कभार मुझे समझ में नहीं आता कि जब मैं यंग था तब ये चीज़ कहाँ था,
क्या मालूम तभी भी होता होगा, बट मुझे नहीं पता। सो ये नाइफ से भी हम इसका मर्डर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या है वो देंगे। लास्ट टाइम मैंने ये काटते टाइम गलती कर दिया था, तो इसके लिए अभी मैं हॉरिजॉन्टली पकड़ूंगा। लेते हो और एकदम कड़क मार। खुशबू कैसे लग रहा है मालूम, वो रूबजा आता है ना, रूबजा जो आप पानी में डाल के ऐसा करके घोल के पी लेते हो एकदम सुकून वाला, वैसे वाली खुशबू आ रही है। और इसके अंदर जो पार्टिकल है ये है ब्राउन कलर के, बस इसके अंदर आपको रोज के येलो कहाँ से होता है, पिंक कलर के कुछ आपको सब्सटेंसेस दिखेंगे, वो भी पता चलेगा कैसा है। खुशबू के हिसाब से तो मुझे वो फालूदा की खुशबू आ रही है, रूहअफ़ज़ा वाले फालूदा की खुशबू आ रही है। अभी हमारे पास एक शेकर भी है जटना मेटल की तरफ से, अब इसके अंदर हम एक स्कूप डालेंगे और एक स्कूप डालने के बाद पानी मिक्स करके देखेंगे। तो ये आपका स्कूप का साइज है, के अंदर स्कूप का साइज बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और इसमें हम लोग नियर अबाउट 200 डालेंगे एम एल नहीं है। तो हम इसे 30 सेकंड तक का हिलाएंगे और हिलाकर देखेंगे कैसा मिक्सिंग एबिलिटी कैसा है, और फिर उसके बाद एक घुट लेंगे और एक घुट लेने के बाद फिर हम लोग 20 सेकंड के लिए हिलाएंगे, ताकि जो कंपनी दावा करती है 50 सेकंड तक आपको हिलाना है, उसके बाद इसका मिक्सिंग अच्छा हो जाएगा। तो ज़्यादा मुझे मालूम 30 सेकंड हो गया रहेगा और अभी इसके हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा, हाँ ये फालूदा ऐसा फ्लेवर करता है, तो मुझे तो अभी ऐसा कुछ लगा नहीं अजीब सा, बट जैसे कि मैंने बोला था कि हम 20 सेकंड और हिलाएंगे और हिलाने के बाद हम जानेंगे इसके अंदर का प्रोडक्ट। सिंगल टेक वीडियो इसके लिए बनाता हूँ ताकि आपको मेरे बीच की कोई हरकतें ना दिख जाए, मैं जितना जेन्युइन रहने की कोशिश कर सकता हूँ मैं उतना करता हूँ। टेस्ट वाकई में काफी अच्छा है, बट अब इसका और भी फ्लेवर है जो मुझे यूज करना चाहिए था। ये 100% वेज है, तो फिर हमारे जो वेजिटेरियन भाई है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे, बिकॉज ये पूरे तरीके से वेज है, मतलब ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है या फिर डेयरी बेस्ड प्रोटीन रहेगा। वैसे तो यहाँ पर मेंशन हो जाना चाहिए प्लांट बेस्ड है या डेयरी बेस्ड है, और ये है डेयरी बेस्ड, हाँ ये डेयरी बेस्ड प्रोटीन है। सो ये डेयरी बेस्ड प्रोटीन है, तो ये हमारे वेज भाई ले सकते हैं, वेजिटेरियन भाई। और यहाँ पर आपको एक स्कैनर मिल जाता है, इसका आप स्कैन करके इसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकते हो। यहाँ पर आपको स्क्रैच कोड भी मिलता है, जिसे आप स्क्रैच करके इनके वेबसाइट में जाके ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे तो अल्फा वे प्रोटीन यूज करी इतनी आदत हो गई है कि मुझे गेट माई मेटल के ऊपर कोई भी ज्यादा शक वगैरह नहीं है। तो उसका ब्लेज वे प्रोटीन जो कि 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता पर स्कूप, ये पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा। अगर आप सेम चीज बाहर लेने जाते हो, अलग ब्रांड से लेने जाते हो, तो 3,350 रुपए 3,800 रुपए करीब, वहीं पर आपको 1,200-1,300-1,500 रुपए में अगर ये वे प्रोटीन मिल रहा है, ले लो यूज करो, अगर फर्क दिखे तो याद करना मुझे, नहीं फर्क दिखे तो कमेंट सेक्शन खाली आके गाली दे देना कि इमरान तेरे बोलने पे लिया और अभी मुझे ये फर्क नहीं दिखा। लेकिन हाँ जो भी है, जैसा भी टेस्ट होगा, वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, रेकमेंड करता हूँ आपको। अगर आप न्यू भी हो, आप बिगिनर हो, आपकी इनकम सोर्स कम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये परफेक्ट एक फ्रेंड साबित हो सकता है। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हो, अगर आपको और भी ब्रांड ट्राई करना है, आप कर सकते हो। इसमें आप मुझे, मैं कोई फोर्स नहीं करना चाहता है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि आप यही लो, बिकॉज मुझे इसके कुछ पैसे नहीं मिलते, ना ये पेड टू प्रमोशन, जो भी है जैसा भी मुँह पे अच्छा लगता है लो, नहीं लेता मत लो। बट हाँ, अगर फिर से वही बात, अगर आपका बजट टाइट है, तो दिस कैन बी द बेस्ट थिंग यू कैन कंज्यूम आफ्टर द वर्कआउट। सो बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल इमरान 16। और आज का वीडियो बनाने में हेल्प किया मेरे गिम्बल ने, और मेरा नाम इमरान। तो बाय और जय हिंद, सायोनारा, मिलते हैं अगले वीडियो में।